जैन धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में संपूर्ण भारत में जैन समाज में जबरदस्त आक्रोश और रोष व्याप्त है। इसके तहत सोमवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित जैन न्याति नोहरे में जैन श्री संघ के बैनर तले क्रमिक अनशन और अनिश्चितकालीन धरना जैन समाज के अध्यक्ष प्रकाश चंद वडेरा एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही राष्ट्रपति के ज्ञापन सौंपकर झारखंड सरकार के इस निर्णय को वापस लेने की मांग की गई। जैन धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में संपूर्ण भारत में जैन समाज में जबरदस्त आक्रोश रोष व्याप्त है। सोमवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित जैन न्याति नोहरे में जैन श्री संघ के बैनर तले क्रमिक अनशन व अनिश्चितकालीन धरना जैन समाज के अध्यक्ष प्रकाश चंद वडेरा एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। जैन श्री संघ बाड़मेर के बैनर तले सोमवार को जैन न्याति नोहरे में जैन समाज के अध्यक्ष प्रकाश चंद वडेरा एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन सानिध्य व सकल जैन समाज की उपस्थिति में परमात्मा महावीर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर क्रमिक अनशन व अनिश्चितकालीन धरने का विधिवत आगाज हुआ। इस दौरान समेत शिखर सहित जैन समाज के तीर्थों पर हो रहे कुठाराघात का सभी ने एक स्वर में विरोध किया। तत्पश्चात क्रमिक अनशन पर बैठने वाले जैन समाज के 11 वीर बंधुओं का तिलक माला व दुपट्टा पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया गया। धरने पर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि जैन धर्म की आस्था व श्रद्धा के केंद्र समेत शिखर व शत्रुंजय गिरिराज सहित कई तीर्थों पर हो रहे असामाजिक तत्वों के हमले बहुत ही निंदनीय है। वही समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र बनाना जैन समाज के साथ अन्यायपूर्ण कृत्य है। इस दौरान जैन श्री संघ के अध्यक्ष प्रकाश चंद वडेरा महामंत्री पारसमल छाजेड़ ने संबोधित किया। क्रमिक अनशन व अनिश्चितकालीन धरने के बाद दोपहर में जैन समाज के गणमान्य नागरिकों व अनशनकारियों ने जैन श्री संघ के अध्यक्ष प्रकाश चंद वडेरा के नेतृत्व में बाड़मेर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर अपना विरोध व आक्रोश जाहिर किया। हम लोगों ने क्रमिक अनशन चालू किया है क्योंकि ये एक जो समय शिखर पे जो ये बैठ रहे हैं सारा पर्यटन उसको स्थल घोषित कर रहे हैं, इससे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मांस मदिरा सब चालू हो जाएगा और हमारा ये कर्मभूमि मगर हमारी ये सिद्धों की कर्मभूमि है। यहाँ पे 20-20 तीर्थंकरों का हमारे कल्याण तीर्थ प्राप्त हुआ। हम लोग ये चाहते हैं कि उस जो तीर्थ भूमि को तीर्थ भूमि ही रहने दिया जाए, पर्यटन स्थल ना बनाया जाए, बिकॉज वहाँ पर अगर वो जब चालू हो गया तो वहाँ पे मांस मदिरा सारा सब कुछ चालू हो जाएगा और वो एक पर्यटक स्थल ही बन के रह जाएगा। बाड़मेर जैन श्री संघ के नेतृत्व में पवित्र पावन समेत शिखर जी हमारा तीर्थ जहाँ परमात्मा 20-20 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ उस तीर्थ स्थल को राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में पिछले दिनों से चल रहे उस निरंतरता में आज से अनिश्चितकालीन अहिंसक उपवास हमारे शुरू हो गए हैं और क्रमिक उपवास में प्रतिदिन जैन श्री संघ के युवक युवतियां महिलाएं पुरुष द्वारा यह अनशन जारी रहे। विरोध प्रदर्शन के प्रथम दिन मुकेश बोहरा, अरुण वडेरा, गौतम बोत्रा, वीणा सिंघवी, भरत संकलेचा, महेश सिंघवी, रत्नेश श्रीमाल, नैमीचंद छाजेड़, उर्मिला धारीवाल, हर्ष संकलेचा व मेघराज श्री श्रीमाल क्रमिक अनशन पर बैठे। वही क्रमिक अनशन के दूसरे दिन भैरवराज मेहता, बंसीलाल बोहरा, विजया देवी संकलेचा, लूणी देवी संकलेचा, नैमीचंद संकलेचा, शांति देवी बोहरा, जगदीश पड़ैया, प्रेमी देवी श्री श्रीमाल, जमुना देवी बोहरा, बंशीधर बोहरा व आदि 11 समाज के बंधु अनशन पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में जैन समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कैलाश बाबू जैन ने किया।